Welcome you all again in today's session of Nasal Duct Delivery System. Today we are here to discuss various evaluation parameters of nasal formulations. Under the heading of evaluation, we will discuss various in vitro, in vivo and ex vivo diffusion study. So firstly, we will discuss here the in vitro diffusion study. For the in vitro diffusion study, the nasal diffusion cell is fabricated by glass. In vitro diffusion study के लिए हम nasal diffusion cell का use करते हैं जो कि glass का बना हुआ होता है. It has the water jacketed recipient chamber, have total capacity 60 ml and a flange top of about 3 mm. डिफ्यूजन सेल जो कि ग्लास का बना हुआ होता है, इसमें एक वाटर जैकेटेड रिसिपिएंट चैम्बर होता है जिसकी कैपेसिटी 60 ml है और ये यहाँ पे फ्लेंज टॉप होता है जो कि 3 mm का होता है. द लिड हैज़ 3 ओपनिंग्स ईच फॉर सैम्पलिंग. थर्मोमीटर एंड ए डोनर ट्यूब हैज ए इंटरनल डायमीटर ऑफ 1.13 सेंटीमीटर. जो लिड है उसमें 3 ओपनिंग्स होती हैं. जो यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और अलग अलग मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं डिफ्यूजन सेल्स के फैब्रिकेशंस में. तो यहाँ पे जो लिड होती है उसमें 3 ओपनिंग्स हैं होते हैं. जनरली एक सैम्पलिंग के लिए होता है, एक डोनर कंपार्टमेंट के लिए होता है और एक थर्मोमीटर के लिए होता है जिससे हम टेम्परेचर को चेक करते हैं, मेंटेन रखते हैं. तो लिड हैज़ 3 ओपनिंग ईच फॉर सैम्पलिंग. थर्मोमीटर एंड डोनर ट्यूब हैज़ ए इंटरनल डायमीटर ऑफ 1.13 सेंटीमीटर. द नेजल म्यूकोसा ऑफ सीप वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सब लेयर बॉडी टिश्यू एंड स्टोन्ड इन डिस्टिल वाटर कंटेनिंग फ्यू ड्रॉप एट द जेंटामाइसिन इंजेक्शन. नेजल म्यूकोसा को जो कि सीप से हम सीप की नेजल म्यूकोसा का यहाँ पे यूज करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं फ्रॉम द सब लेयर बॉडी टिश्यू एंड उसके बाद हम उसको डिस्टिल वाटर कंटेनिंग फ्यू ड्रॉप ऑफ जेंटामाइसिन इंजेक्शन उसमें उसको स्टोन करते हैं. After the complete removal of blood from the mucosal surface, it attached to the donor chamber tube. सबसे पहले हम जो भी ब्लड है उसको कम्प्लीटली रिमूव करते हैं म्यूकोसल सर्फेस से, उसके बाद डोनर चैम्बर ट्यूब से उसको अटैच करते हैं. जो म्यूकोसल लेयर है, म्यूकोसा है, उसको डोनर चैम्बर ट्यूब से अटैच कर देते हैं. द डोनर ट्यूब इज प्लेस्ड सच ए वे दैट इट जस्ट टच द डिफ्यूजन मीडिया इन द रिसिपिएंट चैम्बर. डोनर ट्यूब को इस तरीके से प्लेस करते हैं कि यह डिफ्यूजन मीडिया को जो कि रिसिपिएंट चैम्बर में डिफ्यूजन मीडिया फिल किया हुआ है उसकी सरफेस को वह टच करें. एट ए प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स सैम्पल 0.5 ml from the recipient withdraw and transfer to the amber color ampules. Predetermined interval पर 0.5 ml के सैम्पल हम recipient chamber से withdraw करते हैं और उसके बाद उसको embered color की ampules में transfer करके store करके रखते हैं. The samples withdraw is suitably replaced. जो भी सैंपल हमने विड्रॉ किया है उसको सुइटेबली उसी रिसिपिएंट मीडियम से रिप्लेस्ड करते हैं और जो भी वहाँ का वॉल्यूम है उसको मेंटेन करके रखते हैं. द सैंपल्स आर एस्टिमेटेड फॉर द ड्रग कंटेंट बाय सुइटेबल एनालिटिकल टेक्निक. इसके बाद सैंपल्स का हम एस्टिमेशन करते हैं ड्रग कंटेंट के लिए बाय सुइटेबल एनालिटिकल टेक्निक. जो भी एनालिटिकल टेक्निक
अवेलेबल है उसकी हेल्प से ड्रग कंटेंट एनालिसिस करते हैं। थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर इज मेंटेन एट 37 डिग्री सेल्सियस। पूरे एक्सपेरिमेंट के समय टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखते हैं। सेकंड टेक्निक में इन वीवो नेजल एब्जॉर्प्शन स्टडी परफॉर्म करते हैं। इन वीवो नेजल एब्जॉर्प्शन स्टडी के लिए एनिमल मॉडल्स फॉर द नेजल एब्जॉर्प्शन स्टडी बी यूज। दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ द होल मॉडल और इन वीवो मॉडल, और सेकंड इज़ द आइसोलेटेड ऑर्गन परफ्यूजन और एक्स वीवो मॉडल्स। तो इन वीवो एनिमल मॉडल को हम दो तरह से यूज करते हैं, एक तो फर्स्टली होल मॉडल होल एनिमल और इन वीवो मॉडल्स, और सेकंड आइसोलेटेड ऑर्गन परफ्यूजन और एक्स वीवो मॉडल के रूप में हम यूज कर सकते हैं। फॉर इन वीवो मॉडल हम रैट, रैबिट, मंकी, गिनी पिग्स, ये कुछ मॉडल्स हैं जिनका यूज कर सकते हैं। जैसे रैट मॉडल का यूज करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम रैट को एनेस्थिसाइज करते हैं वाय इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन ऑफ सोडियम पेंटोबार्बिटल। तो रैट इज एनेस्थिसाइज वाय इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन ऑफ सोडियम पेंटाबार्बिटल। उसके बाद एन इंसिजन इज मेड इन द नेक। एक कट लगाते हैं नेक पर, उसमें ट्रैकिया इज कैनुलेटेड। ट्रैकिया को में एक कैनुला फिट करते हैं। ट्रैकिया इज कैनुलेटेड विथ पॉलीएथाइलिन ट्यूब। पॉलीएथाइलिन ट्यूब की कैनुला यहाँ ट्रैकिया में फिट करते हैं। अनदर ट्यूब इज इंसर्टेड फॉर थ्रू द इसोफेगस टूवर्ड्स द पोस्टेरियर रीजन ऑफ द नेजल कैविटी। एक और ट्यूब इंसर्ट करते हैं थ्रू द नेजो इसोफेगस टूवर्ड्स द पोस्टेरियर रीजन ऑफ नेजल कैविटी। द पासेज ऑफ नेजोपैलेटाइन ट्रैक इज सील्ड सो दैट द ड्रग सॉल्यूशन इज नॉट ड्रेन्ड फ्रॉम नेजल कैविटी थ्रू द माउथ। पासेज को हम सील कर देते हैं जिससे ड्रग सॉल्यूशन ड्रेन ना हो नेजल कैविटी से थ्रू द माउथ। द ड्रग सॉल्यूशन इज डिलीवर्ड टू द नेजल कैविटी थ्रू द नॉस्ट्रिल और थ्रू द कैनुलेटेड ट्यूबिंग। इसके बाद ड्रग सॉल्यूशन को हम डिलीवर करते हैं टू द नेजल कैविटी थ्रू द नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल के द्वारा नेजल कैविटी में ड्रग सॉल्यूशन को डिलीवर करते हैं। देन द ब्लड सैंपल्स आर कलेक्टेड। ब्लड सैंपल्स को हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम ओनली फेमोरल वेन से। एज ऑल द प्रोबेबल आउटलेट आर ब्लॉक्ड द ड्रग कैन ओनली बी एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन वाय पेनिट्रेशन और डिफ्यूजन। चूंकि ऑल जो प्रोबेबल आउटलेट्स हैं उसको हमने ब्लॉक कर रखा है, इसलिए ड्रग ओनली एब्जॉर्ब होगा और ट्रांसपोर्ट होगा इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन बाय पेनिट्रेशन और डिफ्यूजन। पेनिट्रेशन और डिफ्यूजन के द्वारा ही यह एब्जॉर्ब होगी और ट्रांसपोर्ट होगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में। इस तरह से जो भी ब्लड सैंपल्स हमने कलेक्ट किए हैं उसका हम ड्रग कंटेंट एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और कितना डिफ्यूजन हुआ है, कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है उसको हम एनालिसिस करेंगे। अदर मॉडल्स में इन वीवो स्टडी के लिए रैबिट मॉडल, डॉग मॉडल और मंकी मॉडल का भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर द एक्स वीवो नेजल परफ्यूजन मॉडल द सर्जिकल प्रिपरेशन इज द सेम दैट ऑफ इन वीवो रेट मॉडल। एक्स वीवो नेजल परफ्यूजन मॉडल के लिए सर्जिकल प्रिपरेशन सेम रहेगी जो कि आपने इन वीवो रेट मॉडल के लिए देखी। ड्यूरिंग परफ्यूजन
study, a funnel is placed between the nose and reservoir to minimize the loss of drug solution. Perfusion study के दौरान एक funnel को nose और reservoir के बीच में place करते हैं, जिससे किसी भी तरह का drug solution का loss ना हो, उसको हम minimize कर सकें. The drug solution is placed in the reservoir, maintained at the 37 degree centigrade and is circulated through the nasal cavity of the rat with a peristaltic pump. The perfusion solution passes out from the nostril and run again into the reservoir, stir continuously. Drug solution को हम reservoir में प्लेस करते हैं और जो कि उसको हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करते हैं, उसको हम नेजल कैविटी के थ्रू सर्कुलेट करते हैं. नेजल कैविटी ऑफ रैट की नेजल कैविटी से हम सर्कुलेट करते हैं विथ ए पेरिस्टाल्टिक पंप. द परफ्यूजन सॉल्यूशन पासेज फ्रॉम द नेस्ट्रल, जो परफ्यूजन सॉल्यूशन है उसको नॉस्ट्रल से पास करते हुए एंड रन इन टू द रिजर्वर, और रिजर्वर में रन करते हैं और इसको कंटिन्यूसली स्टर भी करते रहते हैं. अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द रेसिडुअल ड्रग कंसंट्रेशन इन द परफ्यूजन सॉल्यूशन. अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब, कितना अमाउंट में ड्रग एब्जॉर्ब हुई है उसका एस्टिमेशन हम करते हैं बाय मेजरिंग द रेसिडुअल ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ परफ्यूजन सॉल्यूशन. जो परफ्यूजन सॉल्यूशन है उसमें कितनी रेसिडुअल कंसंट्रेशन है, कितनी बची हुई कंसंट्रेशन है, उसको एस्टिमेट करने से हम अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब को भी एस्टिमेट यहाँ पर कर पाते हैं. नाउ मूव टूवर्ड्स द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और नेजल रूट्स. फर्स्ट इज द मेजर एप्लीकेशन इज द डिलीवरी ऑफ नॉन पेप्टाइड फार्मास्यूटिकल्स. सेकेंड वन इज द डिलीवरी ऑफ पेप्टाइड बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स एंड थर्ड वन इज द डिलीवरी ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट्स. फर्स्ट वन इज द डिलीवरी ऑफ नॉन पेप्टाइड फार्मास्यूटिकल्स. ड्रग विथ एक्सटेंसिव प्री सिस्टमिक मेटाबोलिज्म सच एज प्रोगेस्टेरॉन, एस्ट्राडियोल, प्रोपेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन एंड सोडियम क्रोमोग्लाइलेट. दीज आर द ड्रग सो एक्सटेंसिव प्री सिस्टमिक मेटाबोलिज्म. एक्सटेंसिव प्री सिस्टमिक मेटाबोलिज्म इनका होता है अगर हम इसको ओरली रूट से देते हैं, और इट कैन दीज कैन बी रैपिडली एब्जॉर्ब थ्रू द नेजल म्यूकोसा. और यह है सारी ड्रग नेजल म्यूकोसा के थ्रू रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती हैं विद ए सिस्टमिक बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 100%, जिसकी सिस्टमिक बायो अवेलेबिलिटी करीब 100% हमें नेजल रूट के थ्रू, नेजल म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब होने के बाद मिलती है. और ये इसका एडवांटेजेस रहेगा कि ऐसी ड्रग, कुछ ड्रग हैं जो नॉन पेप्टाइड फार्मास्यूटिकल्स हैं जिनका एक्सटेंसिव प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म होता है ओरल रूट के थ्रू, उनको अगर हम इस नेजल रूट के थ्रू देते हैं तो वह नेजल म्यूकोसा के द्वारा रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती हैं और उनकी सिस्टमिक बायो अवेलेबिलिटी भी हमें अप्रॉक्सीमेटली 100% यहाँ पर मिलती है. सेकेंड इज द डिलीवरी ऑफ पेप्टाइड बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स. पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स हैव ए जनरली लो ओरल बायो अवेलेबिलिटी. जो पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन होते हैं उनकी जनरली लो ओरल बायो अवेलेबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ देयर फिजिको केमिकल इनस्टेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी टू हेपेटोगैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फर्स्ट पास एलिमिनेशन. तो इनकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी कम होती है जो कि आपके पेप्टाइड बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स होते हैं. क्यों होती है? क्योंकि उनकी फिजिको केमिकल इनस्टेबिलिटी होती है और हेपेटो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फर्स्ट पास एलिमिनेशन होता है, इसके कारण उसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी कम होती है. जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं इंसुलिन, कैल्सिटोनिन, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स. तो अगर हम इनको नोजल रूट के थ्रू देते हैं
उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और उनकी बायो अवेलेबिलिटी भी हमें ज़्यादा मिलेगी। नेजल रूट इज़ प्रोवाइडिंग टू बी बेस्ट रूट फॉर सच बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। नेजल रूट इस तरह की जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं उनके लिए बेस्ट रूट हम कह सकते हैं, बेस्ट रूट रहेगा और उससे उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। थर्ड एप्लीकेशन इज़ द डिलीवरी ऑफ डायग्नोस्टिक ड्रग्स। डायग्नोस्टिक ड्रग को भी हम नेजल रूट के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं, जैसे फिनॉल सल्फोनेफ्थलीन, किडनी फंक्शन के लिए जिसको हम यूज करते हैं, सेक्रेटिन, पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर के लिए हम यूज करते हैं, पेंटागैस्ट्रिन, सेक्रेटरी फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेटरी फंक्शन के लिए इसको यूज करते हैं। ये कुछ डायग्नोस्टिक ड्रग हैं जिनको हम नेजल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द ऑल अबाउट द नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। थैंक यू ऑल, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी।